कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएमपीबी आवाज का खास कार्यक्रम श्रद्धांजलि एक नमन। भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का एक महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद शुक्रवार देर रात निधन हो गया। इससे पहले उनकी पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर ने भी कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया था। पद्मश्री अवार्ड विजेता मिल्खा सिंह 91 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनके बेटे गोल्फर जीव मिल्खा सिंह और उनकी 3 बेटियां हैं। उनकी हालत शाम से ही खराब थी और बुखार के साथ ऑक्सीजन भी कम हो गई थी। उन्हें पिछले महीने कोरोना हुआ था और बुधवार को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। गुरुवार की शाम से पहले उनकी हालत स्थिर हो गई थी। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह ने कहा था, नहीं जानता था कि ओलंपिक गेम्स क्या होता है, एशियन गेम्स और 100 मीटर रेस क्या होती है। मिल्खा सिंह तब दौड़ते थे जब पैरों में जूते नहीं होते थे, ना ही ट्रैक सूट होता था, ना कोचेस थे और ना ही स्टेडियम। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने भारत का नाम रोशन करके दिखाया था। 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा के एक सिख परिवार में मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था। उन्हें खेल और देश से बहुत लगाव था, इस वजह से वे विभाजन के बाद भारत भाग आए और भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। मिल्खा सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें आर्मी से 3 बार रिजेक्ट किया गया था। उन्होंने बताया था कि उस दौर में भी पैसे और सिफारिश चलती थी, ये सब उनके पास नहीं था, लिहाजा उनको 3 बार रिजेक्ट किया गया। उन्होंने 1956 में मेलबर्न में आयोजित ओलंपिक खेल में भाग लिया, कुछ खास नहीं कर पाए लेकिन आगे की स्पर्धाओं के रास्ते खोल दिए। उन्होंने 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में 200 और 400 मीटर में कई रिकॉर्ड बनाए। उसी साल टोक्यो में आयोजित एशियाई खेलों में 200 मीटर, 400 मीटर की स्पर्धाओं और राष्ट्रीय मंडल में 400 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीते। उनकी सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह तो चले गए, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिस पर देश हमेशा नाज करेगा। मिल्खा सिंह ने विषम परिस्थितियों से लड़कर वो मुकाम हासिल किया जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग़।